नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हां, आप सबको पता है कि संजय लीला भंसाली ने अब तक कई हिट फिल्में दी हैं, चाहे वो दिल दे चुके सनम हो, चाहे ब्लैक मूवी हो, हर मूवी उनकी बहुत हिट रही है। वही एक किस्सा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। पहले आपको ये बता दें कि दिल दे चुके सनम में उन्होंने सलमान खान और ऐश्वर्या राय को कास्ट किया था। आज भी ये मूवी हम सबके काफी करीब है, हम सबको ये मूवी काफी पसंद आई थी और सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी भी हमें काफी पसंद आई थी। जब इस जोड़ी के हिट होने के बाद संजय लीला भंसाली ने ये सोचा कि आगे भी हम सलमान खान और ऐश्वर्या को लेकर फिल्म बनाते हैं, लेकिन उस समय ऐश्वर्या और सलमान की लड़ाई हो गई थी और ऐश्वर्या ने सलमान के साथ काम करने से मना कर दिया था। उस समय संजय लीला भंसाली सलमान खान के साथ बाजीराव मस्तानी बनाने वाले थे, जिसमें वो ऐश्वर्या को कास्ट करने वाले थे। ये बात बहुत पहले की है। आपको ये बता दें कि जब संजय लीला भंसाली ऐश्वर्या को कास्ट नहीं कर पाए, सलमान की लड़ाई हो गई ऐश्वर्या से, तो सलमान खान ने करीना कपूर का नाम लिया था कि उन्हें इस फिल्म में करीना कपूर के साथ काम करना है। लेकिन बात ये हो गई कि संजय लीला भंसाली ने करीना के साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सलमान और करीना की जोड़ी इस फिल्म में जच नहीं रही है, जिसके बाद सलमान ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और संजय लीला भंसाली और सलमान के बीच इसी वजह से लड़ाई हो गई और वजह बन गई कहीं ना कहीं करीना। जी हाँ, आपको बता दें, अपने और सलमान खान के इस अनबन को कभी भी संजय लीला भंसाली ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली ने इसके बाद लंबे अरसे से सलमान खान के साथ काम भी नहीं किया है, जिसके बाद बाजीराव मस्तानी में उन्होंने दीपिका और रणवीर को साइन किया था। आपको बता दें कि सलमान को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि संजय लीला भंसाली ने करीना को उनके अपोजिट साइन नहीं किया, जिसके बाद सलमान ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था और इसी वजह से इन दोनों की लड़ाई भी हो गई थी। और कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों की अनबन, इन दोनों की बहस की वजह करीना बन गई थी जाने अनजाने। जी हाँ, आपको इस पर क्या कहना है, इस किस्से को लेकर क्या कहना है, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।